चेयरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति पर केजरीवाल सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एल्जीमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, सरकार की सलाह जरूरी नहीं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली पर कानूनी लगाम लगाने की तैयारी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने का नैरेटिव गलत। संशोधित कानून से गरीबों और महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी। लव जिहाद पर यूपी के बाद अब असम सरकार भी लाएगी कानून। हो सकती है उम्र कैद की सजा। लैंड जिहाद पर भी कानून बनाने की तैयारी। अयोध्या रेप मामले में योगी सरकार का एक्शन। आरोपी मोईद खान के घर भी चल सकता है बुलडोजर। कब्रिस्तान की जमीन पर घर बनाने का आरोप। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट जारी। 2300 से ज्यादा अंक से लुढ़का सेंसेक्स। अमेरिका में मंदी की आशंका से दुनिया भर के बाजारों में असर। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी पर गिर सकती है गाज। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद ममता सरकार उठा सकती है कड़ा कदम। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर संग्राम। अब तक 300 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। भारत ने यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की। देश के कई हिस्सों पर भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में उफान तो केदारनाथ के पैदल रास्ते पर हुई लैंडस्लाइड के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। पेरिस ओलंपिक्स में जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले भारत को झटका। ब्रिटेन के खिलाफ रेड कार्ड मिलने के बाद अमित रोहिदास कल के मैच के लिए सस्पेंड। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की। पेरिस ओलंपिक्स में आज बैडमिंटन में मिल सकता है मेडल। लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल के लिए शाम को खेलेंगे मुकाबला। पतंजलि गो